इसराइल और हमास के बीच जंग को अब करीब 3 महीने का समय होने वाला है। ताबड़तोड़ हमलों में दोनों ही तरफ से सैनिकों और वहां के लोगों पर इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। इसराइल और हमास के बीच जंग के आग की आंच दूसरे देशों तक भी फैल रही है। हाल ही में इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमला कर हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी को मार गिराया था। वहीं अमेरिका ने भी अपने हवाई हमले में ईरान समर्थित मिलिशियाई लीडर मुश्ताक जवाद कासिम अल जवारी अबू तकवा को मार गिराया था। इन हमलों से तमतमाए हुए हिजबुल्ला नेता ने बड़ा बयान दिया। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने सेशेल्स जैसे देशों को शामिल करके लाल सागर में खुद को अधिक ताकतवर और अंतर्राष्ट्रीय बनाने के अमेरिकी प्रयास का मजाक उड़ाया है। गठबंधन को शक्तिशाली दिखाने के लिए उन्होंने कुछ देश सेशेल्स या मिशेल्स या कुछ जो भी जोड़ा है। मुझे गूगल पर खोजना पड़ा कि ये क्या था। पता चला कि ये दुनिया के अंत में कोई द्वीप है जिसकी आबादी 1 लाख से कम है। बता दें कि अफ्रीका का सबसे छोटा अफ्रीकी देश सेशेल्स महाद्वीप के तट से लगभग 1500 किलोमीटर दूर 115 द्वीपों से मिलकर बना है। आपको बता दें कि अमेरिका ने दिसंबर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य यमन के अंसार अल्लाह विद्रोही आंदोलन, जिसे हूती के नाम से भी जाना जाता है, इनके हमलों से लाल सागर में वाणिज्य जहाजों की रक्षा करना था। इसमें ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन और इटली शामिल हैं। इतना ही नहीं, हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला ने कहा कि हमास नेता अरूरी की बेरूत में इजरायली हमले में हुई हत्या का बदला नहीं लिया गया तो लेबनान का नाम पिट जाएगा। वहीं अमेरिका पर हमला करते हुए नसरल्ला ने कहा, इराक के लोगों के लिए अमेरिकी सैनिकों को अपनी जमीन से बाहर करने का मौका आ गया है। वे एकजुट होकर सैन्य अड्डा बनाए अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर कर सकते हैं। इस बीच गाजा के उत्तरी क्षेत्र में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। गाजा में इजरायली हमलों में लोगों का मरना भी जारी है। ताजा हमलों के बाद शुक्रवार को मरने वालों की संख्या 22,500 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि 58,000 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन घायलों और मृतकों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल हैं।